हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर नॉर्मलाइजेशन में लास्ट लेक्चर है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का मेरा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आज इस टॉपिक को भी फिनिश कर लेते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है, इट इज बेस्ड ऑन जॉइंट डिपेंडेंसी। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो जॉइंट डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है, वेयर मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स आर इंटरलिंक्ड। जहाँ पे मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स जो है वो सारे इंटरलिंक्ड है। तो कैसे, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। उसके बाद फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जो है, इट हैज लॉसलेस डिकम्पोजिशन इनटू एनी नंबर ऑफ स्मॉलर टेबल्स। तो जब किसी टेबल को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो एक एनी नंबर ऑफ स्मॉलर टेबल्स में जब हम उसको तोड़ते हैं, तो उन सारे टेबल्स को जब आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसी को बोला गया है कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन होनी चाहिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। इट इज आल्सो नोन एज जॉइंट प्रोजेक्शन नॉर्मल फॉर्म। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को जॉइंट प्रोजेक्शन नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो टू ब्रिंग द टेबल इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, टेबल मस्ट बी इन फोर्थ NF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो किसी भी टेबल को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो वो टेबल सबसे पहले फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए। तो फिफ्थ NF या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है, इज ऑफ लिटल प्रैक्टिकल यूज टू द डेटाबेस डिजाइनर। तो डेटाबेस डिजाइनर के लिए फिफ्थ NF जो है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है, उसका प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज नहीं है, बट इट इज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ए थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है इसको समझ सकते हैं कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली जो है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और टेबल का नाम है व्हीकल प्रोडक्ट। तो इस व्हीकल प्रोडक्ट के टेबल में तीन कॉलम्स है। एक कॉलम का नाम है एजेंट कॉलम, दूसरे कॉलम का नाम है कंपनी कॉलम, और थर्ड जो है वो है प्रोडक्ट कॉलम। तो एजेंट जो है, सुमित नाम का एक एजेंट है, और फोर्ड नाम की कंपनी का जो है वो कार सेल कर रहा है। और अगेन जो सुमित एजेंट है वो GM कंपनी के ट्रक को भी वो सेल कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो सुमित है, जो फोर्ड नाम की कंपनी का कार बेच रहा है, वो फोर्ड नाम की कंपनी का ट्रक नहीं बेच रहा है। और नीचे वाला जो सुमित है वो GM कंपनी का ट्रक बेच रहा है, बट GM कंपनी का कार नहीं बेच रहा है। तो नीचे समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। एजेंट सुमित जो है, सेल्स कार्स मेड बाय फोर्ड एंड ट्रक्स मेड बाय GM कंपनी। तो एजेंट सुमित जो है वो कार को सेल करता है, और वो कार बनाई गई है फोर्ड कंपनी के द्वारा, और ट्रक को भी सेल करता है, और वो ट्रक बनाया गया है GM कंपनी के द्वारा। बट एजेंट सुमित जो है, ही डजंट सेल फोर्ड्स ट्रक। फोर्ड कंपनी के ट्रक को वो नहीं बेचता है, यानी कि फोर्ड कंपनी के कार को तो वो बेचता है, बट फोर्ड कंपनी के ट्रक को वो नहीं बेचता है। एंड और GM's कार और GM कंपनी के वो ट्रक को बेचता है, बट GM कंपनी के वो कार को नहीं बेचता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो इसी प्रॉब्लम्स को हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है।
यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और टेबल का नाम है व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट। तो ये जो व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट टेबल है, ये पिछले स्लाइड का ही टेबल है। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये थी कि सुमित नाम का जो एजेंट है, वो फोर्ड नाम की कंपनी की कार तो बेच रहा था, बट फोर्ड नाम की कंपनी का वो ट्रक नहीं बेच रहा था। और सुमित नाम का अगेन जो एजेंट है, वो जीएम नाम की कंपनी का वो ट्रक तो बेच रहा था, बट जीएम नाम की कंपनी का वो कार नहीं बेच रहा था। तो इस वाले व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट टेबल में मैंने दिखाया है कि सुमित नाम का जो एजेंट है, वो फोर्ड नाम की कंपनी का जो है वो कार भी बेचता है और फोर्ड नाम की कंपनी का वो ट्रक भी बेचता है। वही एजेंट जो सुमित है, वो जीएम नाम की कंपनी का जो है कार भी बेचता है और जीएम नाम की कंपनी का वो ट्रक भी बेचता है। और एक और नया एजेंट है, हेमा नाम की एजेंट है, वो फोर्ड नाम की कंपनी का केबल और केबल कार बेचती है। तो यहाँ पे जो सारे कॉलम्स है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। और जो है इसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इस टेबल को जो है मोर देन वन टेबल्स में डीकम्पोज किया गया है, और डीकम्पोज करके जो है इसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लाया गया है। और ये जो है मोर देन वन टेबल है, यहाँ पे थ्री टेबल्स में व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट टेबल को तोड़ा गया है। तो इन तीनों टेबल्स को जब आपस में कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑपरेशन से, मतलब प्रोडक्ट एक जो है फंक्शन है, उसको मैं ओरेकल एसक्यूएल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो है फंक्शन वो क्या है। तो यहाँ पे जो तीन टेबल्स हैं, इन तीनों टेबल्स को प्रोडक्ट फंक्शन से जब जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। इसी को बोला गया है कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है टू ब्रिंग इन द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, तो ऊपर वाले व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए वी कंस्ट्रक्ट थ्री सेपरेट रिकॉर्ड टाइप। तो हम तीन अलग अलग रिकॉर्ड टाइप, यानी कि तीन अलग अलग टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इच टेबल जो है कंटेनिंग टू फील्ड्स, टू कॉलम्स, और जो प्रत्येक टेबल है वो दो कॉलम्स को कंटेन करेंगे। तो यहाँ पर टेबल वन है T1, और टेबल टू है यहाँ पे T2, और टेबल थ्री है यहाँ पे T3। तो मैंने क्या किया, एजेंट और कंपनी ये दो कॉलम्स लिए T1 टेबल में, और सारे एजेंट का नाम लिख दिया मैंने, और रिपीटेशन वाली वैल्यू को हटा दी मैंने, यानी कि सुमित और सुमित, सुमित फोर्ड कंपनी से जुड़ा हुआ है तो फोर्ड कंपनी को दिखाया यहाँ पे, सुमित अगेन फोर्ड कंपनी से नहीं जीएम कंपनी से जुड़ा हुआ है तो जीएम कंपनी को रख दिया इसके सामने। हेमा एक नई एजेंट है, वो फोर्ड कंपनी से जुड़ी हुई है, तो उसको भी यहाँ पे इस तरीके से T1 टेबल में दिखा दिया। अब उसके बाद फोर्ड कंपनी जो है वो कार प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है तो कार प्रोडक्ट को दिखा दिया, फोर्ड कंपनी ट्रक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है तो ट्रक प्रोडक्ट को दिखा दिया, जीएम कंपनी कार प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है तो कार प्रोडक्ट को दिखाया, जीएम कंपनी ट्रक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है तो ट्रक प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे T2 में हमने कंपनी और प्रोडक्ट नाम के दो कॉलम्स यहाँ पे मैंने रख दिए। उसके बाद T3 में अगेन मैंने एजेंट और प्रोडक्ट नाम के दो कॉलम्स को लिया, और सुमित जो है वो कार बेचता है तो कार प्रोडक्ट को रखा मैंने, सुमित अगेन ट्रक, सुमित जो है सेम एजेंट जो है वो ट्रक को बेच रहा है तो ट्रक वाले प्रोडक्ट को ले लिया, और हेमा जो है वो न्यू एजेंट है, वो कार को बेच रही है तो कार प्रोडक्ट को ले लिया। तो ऊपर वाले व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट टेबल को मैंने इस तरीके से तीन टेबल्स में तोड़ करके डेटा के डुप्लीकेशन को मैंने
रिमूव कर दिया और ये हमारा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में व्हीकल अंडर स्कोर प्रोडक्ट नाम का टेबल जो है कन्वर्ट हो गया है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देखिए समझिए तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो है मेरा ये जो सिक्स्थ वीडियो लेक्चर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है और साथ ही साथ जो है नॉर्मलाइजेशन का ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।